मेरा नाम है अबू सुफियान और इस वक्त हम हैं पुरानी दिल्ली के अंदर। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ मटिया महल के उन गलियों में जहाँ पे जायका आपका इंतजार कर रहा है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे हिडन जेम्स जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा, और जायका तो क्या कहने। चलिए चलते हैं और टेस्ट करते हैं क्या है आज आपके लिए गुड टाइम्स। रहमतुल्ला होटल की आप जैसे देख रहे हैं ये बाकर खानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी खासियत ये है कि ये इसकी शेल्फ लाइफ 20 दिन तक है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें ये पानी का इस्तेमाल नहीं करते, दूध का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे बाकर खानियाँ मिल जाएंगी। आपको एक बादाम का मिल जाएगा, पिस्ता का मिल जाएगा, मावा का मिल जाएगा। इनके पास तकरीबन 10 तरीके की वैरायटी है। इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? इसकी रेंज मिनिमम रेंज से स्टार्ट होती है फ्रॉम 50 रुपए। 50 रुपए से एंड इट गोस अप टू 500। कहते हैं अगर क्वालिटी आए तो मस्जिद में शाही इमाम और शेरवानों में रहमतुल्लाह होटल का शेरवान, ये अगर दोनों बगैर खाए जाता या मिले बगैर जाता है तो वो जा मसला है। If you are coming to Old Delhi for tikka and kebabs, then Al Aman is your place to come. Inke tikke bilkul, trust me, they are better than anyone serving tikkas in Old Delhi. और कबाब इनके जो होते हैं चिकन कबाब, तो वो इतने नर्म होते हैं और इतना, और ख़ासियत ये है कि कोई इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है, कोई मिलावट नहीं होती, और आपको जो कबाब का टेस्ट है वो आपके मुंह में घुल जाएगा बिल्कुल। तो द कबाब आर सो गुड। सो इफ यू आर कमिंग टू ओल्ड दिल्ली यू मस्ट ट्राई दीज कबाब हेयर एट अल अमान, जो कि मटिया महल के ऊपर है बिल्कुल गली मदरसे वाली के सामने। सो दिस इज देयर बटर कबाब एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबाब हियर। मतलब बाइट लेने के बाद आप खो जाओगे। बैठ जाता हूँ जहाँ देख घड़ी होती है, हाय क्या चीज़ नहारी और नली होती है। तो इस वक्त हैं हम हिलाल नहारी के ऊपर। ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ नहारी सुबह शाम मिलेगी। वैसे तो नहारी सुबह की एक खुराक है, मगर आज का इसकी पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग शाम में भी ज़्यादा खाने लग गए हैं। कुछ लोग इसको नहारी बोलते हैं, कुछ लोग नहारी बोलते हैं, तो झगड़े में ना पड़े। अगर सुबह खा रहे हैं निहार मुँह खा रहे हैं तो इसको निहारी बोल दें, शाम में खा रहे हैं तो इसको नहारी बोल दें। तो फोकस ऑन द नहारी एंड इफ़ यू आर कमिंग टू ओल्ड दिल्ली कम टू हिलाल, हैव अ नहारी and enjoy your meal. एक गुड़ का शरबत लगा लिए। आपने प्यार मोहब्बत तो बहुत सुना होगा, मगर दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का जो ऑथेंटिक शरबत है वो है आपका गुड़ का शरबत, और सिर्फ 5 रुपये में आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो गर्मियों के अंदर अक्सर या तो आपको बेलगिरी का शरबत मिलेगा या गुड़ का शरबत मिलेगा, और अनलाइक एनी पॉपुलर शरबत दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक शरबत दैट यू कैन गेट इन ओल्ड दिल्ली ड्यूरिंग रमजान एंड थ्रू आउट द समर्स। भैया एक पनीर की जलेबी देना। इस वक्त हमें कल्लन स्वीट्स के ऊपर, जो कि 84 साल पुरानी एक दुकान है। कल्लन स्वीट्स की जो रमज़ान के अंदर मशहूर है सबसे ज़्यादा चीज़ वो है पनीर की जलेबी, और सिर्फ पुरानी दिल्ली में सिर्फ कल्लन स्वीट्स के ऊपर ही आपको ये अवेलेबल मिलेगी। इसमें पनीर मैदा और चाशनी से बनी होती है, और मीठा भी बिल्कुल मुनासिब होता है कि जो डायबिटीज़ वाले हैं वो भी खा सकते हैं इसको। एंड आई थिंक इसको 4 घंटे हो गए बने हुए, मगर अभी भी ये बिल्कुल सॉफ्ट है। जामा मस्जिद खाली नॉन वेज के लिए नहीं, वेज के लिए भी मशहूर है। और इस वक्त हम आए हैं चितली कवर के ऊपर, जहाँ पे आपको लॉन्ग चूड़े मिल जाएंगे और सफ़ेद, लाल सफ़ेद फुलकियाँ मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ बेसन। उसके अलावा आपको ये मिल जाएगा एक कबाब, इसका नाम है लॉन्ग चूड़े। और इसके पीछे की कहानी ये है कि जैसे एक चिड़िया और चिड़ी जो होती है कि चिड़े के ऊपर जो पैच होता है फर का, वहाँ से उसका नाम ड्राइव करा है लॉन्ग चिड़े, तो इसलिए इसको चिड़े बोला जाता है। ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, इसके साथ चटनी सर्व करी जाती है।
या पुरानी दिल्ली का अपना मोमोज है जो पिछले कई सौ सालों से चला आ रहा है, हालांकि उतना पॉपुलर नहीं हुआ, मगर आज वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट यू टू द बेस्ट आउटलेट इन ओल्ड दिल्ली, सम हिडन जेम्स थ्रू दिस, एंड विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस एपिसोड.